जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? बाबा की कृपा आप पर बरस रही है ना? साईंनाथ आप पर कृपा कर रहे हैं ना? आई होप सो कि बाबा की कृपा आप पर बरस रही होगी और बाबा आप सबकी प्रार्थनाएं सुन रहे होंगे और जल्द ही उन्हें पूरी भी करेंगे। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें संकेत देता हूँ, पल पल तुम्हें संकेत देता रहता हूँ, लेकिन तुम उन्हें समझने की कोशिश तो किया करो। मैं तुम्हें बार बार संकेत देता ही रहता हूँ, तुम उन्हें समझा करो। तुम मेरे संकेतों को समझ ही नहीं रहे कि तुमसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें संकेत देता हूँ और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, किस चिंता में खोए रहते हो और कहाँ पर खोए रहते हो, बताओ मुझे। जो मैंने तुम्हें संकेत दिए हैं उस पर ध्यान दो। वो संकेत मैंने तुम्हारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ही दिए हैं। लेकिन बच्चे सुनो ना, अपने बाबा की बात सुनो ना बच्चे। उन संकेतों पर जल्दी से गौर करो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। अगर तुम उन्हें समझ जाओगे ना, तो देखना बच्चे, तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बस तुम्हें मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जो ये साईं सच्चरित्र है ना, ये साईं सच्चरित्र नहीं, जे तुम्हारे साई की आत्मा है। और उधी, जिसे तुम उधी मानते हो ना, वो तुम्हारी साई की धड़कने हैं। मेरे बच्चे, जो मेरा भक्त इन दोनों चीज़ों को अपने पास हमेशा संभाल के रखता है ना, तो वह ये समझ ले कि मैं साक्षात उनके साथ ही रहता हूँ। साक्षात उस रूप में उनके साथ हूँ मैं बच्चे। जो उदी अपने पास रखता है, अगर कोई बच्चा कहीं बाहर जाता है, अपने शहर से बाहर, तो वो साईं सच्चरित्र और उदी को अपने पास लेकर जाता है। उन भक्तों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा ही किया करो। कुछ वक्त ऐसे हैं कि मुझे छोड़कर जाते ही नहीं हैं, तो उन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मैं उन भक्तों की ओर खींचा चला आता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो बच्चों, कभी कभी मेरे बच्चे अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हारे घर पर जो पेड़ पौधे हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु है ना, जिसे तुम बेहद प्यार करते हो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है या फिर घर का ऐसा एक स्थान होता है जिस स्थान पर तुम्हें बैठकर बहुत आनंद मिलता है, तुम्हें खुशी होती है, तुम्हें वहाँ बैठकर सुकून मिलता है। एक ऐसी जगह तुम्हारे घर पर भी है ना, तो मेरे बच्चे उस स्थान पर बैठो। अगर घर में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ना, तो उनके पास जाकर बैठो। या फिर कोई तुम्हारी ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपने पास हमेशा रखते हो और उनसे बातें करते हो, जिससे बातें करके तुम्हारे मन को सुकून मिलता है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, तो उस चीज़ को रखो। तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी जब तुम उसके साथ बैठकर बातें करोगे। तुम्हें पता है ना बच्चे, कि वो जो पेड़ पौधे हैं वो सजीव है, जानते हो ना इस बात को। जब तुम उनसे बातें करोगे तो वो मुस्कुराएंगे। तुम उनसे बातें करना, तुम मेरे बारे में बातें करना, तो वो मुस्कराएंगे और अपनी बात तुमसे कहने की कोशिश करेंगे। और बच्चे, जिस
स्थान पर बैठकर तुम अपनी फेवरेट चीज़ के साथ, पसंदीदा चीज़ के साथ बातें करोगे ना, तो देखना वो भी तुमसे बातें करेंगे और तुमसे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करेंगे। और मेरे बच्चे, मेरी कृपा से तुम उन संकेतों को, उन बातों को समझ भी पाओगे। और मेरे बच्चे, मेरा नाम जप करते रहना। और जिस माला से तुम मेरा नाम जप करते हो ना, मेरे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो माला से नाम जप करते हैं, तो मेरे बच्चे उस माला को, जब तुम नाम जप कर लेते हो, उस माला को अपने मंदिर में ले जाकर रख दिया करो। यूं ही ऐसे ही मत रख दिया करो कि कहीं भी रख दो, कोई बात नहीं। नहीं बच्चे, जब तुम नाम जाप करते हो ना, उस माला में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, वो पवित्र बन जाती है। तो ऐसी चीज़ों को मंदिर में रखा करो। और जे तुम मेरे बच्चे सब जानते ही हैं कि माला को कैसे पकड़ना है, हाथ साफ होने चाहिए, है ना मेरे बच्चों। मैं ही तुम्हारे स्वप्न में आया था तुम्हें कुछ बताने के लिए, तुम्हें कुछ करने के लिए, लेकिन तुम समझ नहीं पाते मेरी बातों को। कभी कभी तुम अपना सपना ही भूल जाते हो, तुम्हें याद ही नहीं रहता। तो याद करने की थोड़ी सी कोशिश किया करो, तुम्हें याद आ जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में माँ भगवती का आगमन होने वाला है, उनके आगमन के लिए तुम तैयारी रखना। मेरे बच्चे, तुम पाठ पूजा करते हो ना, सभी परमात्मा में लीन रहते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम, जो मैं कहता था कि सबका मालिक एक, तुम उस पर अमल करते हो और सभी भगवान की पूजा करते हो। बस तुम ऐसे ही रहना बच्चे, सबकी इज्जत करना। सब भगवानों को अगर तुम मानोगे, अगर तुम ये सोचोगे कि तुम कहीं तुम कुछ गलती तो नहीं कर रहे सभी भगवानों को मानकर। नहीं बच्चे, अगर सबका मालिक एक है, तो मेरे बच्चे तुम किसी भी भगवान की पूजा आराधना कर सकते हो, कोई भी भगवान तुमसे नाराज़ नहीं होगा। सबकी इज्जत करो बस, किसी को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब भगवान एक ही है। मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी उदास मत होना। मेरा आशीर्वाद और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साईं।